Hey everyone, welcome back. मैं हूँ स्वाति और आप देख रहे हैं बैकयार्ड गार्डनिंग. आज का वीडियो एक हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है. मैं एक ऐसे प्लांट के बारे में आज आपको डिटेल में बताने वाली हूँ जिसके बारे में बहुत फ्रीक्वेंटली मेरे पास क्वेरीज आ रही थी, जो है ये प्लांट, हॉर्स टेल प्लांट. इसको वाटर बैम्बू के नाम से भी जानते हैं और भी इसके बहुत सारे नाम हैं. मैं सारी डिटेल देने वाली हूँ, इसको कैसे ग्रो करना है. तो बहुत ही खूबसूरत से दिखने वाले प्लांट का साइंटिफिक नेम है एक्विजिटम. इसको बहुत सारे कॉमन नेम से भी जानते हैं, जैसे हो सकता है आप इसको जॉइंट ग्रास नाम से जानते हो, स्नेक ग्रास, हॉर्स टेल या फिर वाटर बैम्बू. लेकिन बहुत कमाल की बात यह है कि ये प्लांट ना तो बैम्बू फैमिली को बिलोंग करता है ना ही ग्रास फैमिली को. ये है एक नॉन फ्लावरिंग एवरग्रीन पेरेनियल, मतलब साल भर इसकी पत्तियाँ इसी तरीके से ग्रीन, लश ग्रीन ग्रो होती रहती हैं. इसमें कोई फ्लावर्स नहीं आते हैं. सबसे अमेजिंग बात ये है कि ये प्लांट 2 से 6 फीट तक लंबाई तक ग्रो हो जाता है. बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाला ये प्लांट है. दूसरी बात, इसको वेट कंडीशंस बहुत ज़्यादा पसंद हैं ग्रो होने के लिए. आपने इसको तालाबों में देखा होगा, बहुत ऊंचे ऊंचे ग्रो हो जाते हैं, वही प्लांट है ये. इसको आप पॉट्स में भी ग्रो कर सकते हैं और अगर आपके घर में पॉन्ड है जिसमें आप वाटर लिलीज या लोटस ग्रो करते हैं तो उसमें भी ग्रो कर सकते हैं. मतलब इसको आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और नॉर्मल प्लांट की तरह इस तरीके से पॉट में लगा करके भी ग्रो कर सकते हैं. लेकिन इसे पानी ज़्यादा चाहिए, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसको, इसकी सॉइल को हमेशा वेट रखें. बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा कि इसकी जो बैम्बू स्टिक्स हैं ये इस तरीके से सूखने लगेंगी. और इसमें अगर ज़्यादा पानी मिलेगा तो आपको ज़्यादा ग्रीन भी दिखेगा, ज़्यादा फ्रेश दिखेगा और इस तरीके से नई नई शूट्स इसमें बहुत ढेर सारी ग्रो होती रहेंगी. अगर हम बात करें कहाँ से ग्रो हो रही हैं, तो नीचे रूट से ये बहुत सारी नई नई नोड्स बनाती रहती हैं और उन्हीं जॉइंट से, नोड से ये बहुत सारी नई नई शूट्स ग्रो करके निकलती रहती हैं. अगर हम बात करें कि इसको किस तरीके के सॉइल में ग्रो करना है, तो चूँकि ये तालाब में या ऐसी जगहों पर ग्रो होता है जहाँ पर ठहरा हुआ पानी होता है, स्टैग्नेंट पानी होता है, तो अगर आप उससे अंदाज़ा लगाएं तो हम कहेंगे कि इसको चिकनी मिट्टी या तालाब वाली मिट्टी में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो किया जा सकता है. लेकिन आप इसको नॉर्मल गार्डन सॉइल में भी उतनी ही अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं. इसकी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, फर्टिलाइज़र की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है. चूँकि ये जंगली पौधा है, तालाब में होता है, तो इसको बिना फर्टिलाइज़र के भी आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं. मैं क्या रिकमेंड करूँगी कि इस तरीके से आप किसी पॉट में इसको ग्रो करें और उसके बाद इस पॉट को उठा करके किसी टब में, यूजली आपका जो वाटर लिली का पॉन्ड हो या फिर लोटस का पॉन्ड हो या जिस या कोई और प्लांट जिस पॉट में आप एक्वेटिक प्लांट्स ग्रो कर रहे हो उसमें डाल दें. मतलब पॉट इन पॉट मेथड में अगर आप इसे ग्रो करेंगे तो इसकी ग्रोथ आपको बहुत ज़्यादा ग्रीन और फ्रेश दिखेगी और इसमें इस तरीके से बहुत सारी शूट्स फ्रीक्वेंटली ग्रो होती रहेंगी और आपका पॉट हमेशा बिल्कुल भरा हुआ रहेगा, फुल रहेगा. अगर हम बात करें इस प्लांट की सनलाइट रिक्वायरमेंट की, तो इसको आप फुल सनलाइट से लेके पार्शियल शेड दोनों जगह पे ग्रो कर सकते हैं. अगर हम बात करें फुल सनलाइट का क्या मतलब है, पार्शियल शेड का क्या मतलब है, तो फुल सनलाइट का मतलब 5 घंटे से ज़्यादा की धूप, डायरेक्ट धूप. पार्शियल शेड मतलब अगर 2-3 घंटे की भी धूप मिल रही है, इनडायरेक्ट धूप भी मिल रही है, तो भी ये पौधा बहुत आसानी से ग्रो करेगा. इसकी मेन रिक्वायरमेंट है ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमिडिटी. इसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, मॉइस्चर चाहिए. और अगर आप इसे पॉन्ड में ही ग्रो करेंगे तो इसकी ग्रोथ आपको बहुत अलग तरीके से दिखेगी, बहुत तेज़ी से ग्रो होता है. अच्छा, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं इस प्लांट के बारे में कि ये है टॉक्सिक ग्रेजिंग एनिमल्स के लिए, यानी गाय, भैंस, ऐसे जानवर जो खुले मैदानों में या पॉन्ड के आसपास चारा चरते हैं उनके लिए ये टॉक्सिक है. और अगर हम बात करें कि इसको ग्रो कैसे करना है, तो इसे कटिंग से और रूट डिविजन मेथड से ग्रो करना बहुत ज़्यादा आसान है. कैसे करना है मैं आपको दिखा देती हूँ कटिंग से. तो इस वाटर बैम्बू की स्टिक में आप जो बहुत सारे जॉइंट्स देख रहे हैं, ये वाले पॉइंट्स, ये हैं जॉइंट्स, यहीं से नई शूट्स ग्रो होती हैं. जैसे मैं कुछ एक में दिखाऊंगी, जैसे ये देखिए इधर, ये जॉइंट से 2 नई शूट्स निकल के आई हैं, राइट. तो इसी तरीके से अगर हम इसकी कटिंग ले लेते हैं, सपोज़ हमने ये वाली कटिंग ले ली, तो आपको ध्यान ये रखना है कि उसमें जॉइंट्स ज़रूर हों, राइट. अच्छा, दूसरी बात मैं बताना भूल गई कि ये प्लांट अंदर से बिल्कुल हॉलो होता है, स्ट्रॉ की तरह होता है. आई होप ये दिख रहा होगा कैमरा में.
तो जैसे अगर आपने कभी गौर किया हो कि बैम्बू ट्रीज़ कट करने पे जॉइंट्स को छोड़ करके बाकी जो पोर्शन होता है वो भी ऐसे ही हॉलो होता है, खाली होता है, राइट? अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो उसी तरीके से इसमें भी होता है, जॉइंट्स पे हॉलो नहीं होगा लेकिन बाकी जगह पे आपको ऐसे खाली दिखेगा स्ट्रॉ की तरह। तो इन्हीं जॉइंट्स से नई शूट्स निकलती हैं। इसको ग्रो करने का दो तरीका है। इसको आप चाहे इस तरीके से सॉइल में डाल दें, थोड़ी गीली मिट्टी लें, उसमें आराम से इंसर्ट कर दें इस तरीके से और फिर ढेर सारा पानी डाल दें, या फिर इसको आप इस तरीके से हॉरिजॉन्टली पॉन्ड में रख दें। अगर आप सिर्फ ऐसे रख भी देंगे, थोड़ा सा मिट्टी से इसे दबा देंगे, तो भी इन सारे ही जॉइंट्स से बहुत सारी नई शूट्स निकल के आएंगी। कटिंग से ग्रो करने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा आपको रिजल्ट देर में दिखेगा, नई शूट्स हो सकता है आपको एक महीने में नज़र आए, लेकिन ग्रो ज़रूर होता है। तो अगर हम इस प्लांट के बारे में सारी रिक्वायरमेंट्स को नटशेल में बोलें, तो इस प्लांट को पसंद है ढेर सारा पानी, चाहे इसे आप पानी में ग्रो करें चाहे नॉर्मल पॉट में ग्रो करें, लेकिन इसमें मॉइस्चर ज़्यादा बना रहे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, इसे फर्टिलाइज़र बिल्कुल ज़रूरत नहीं है देने की, नहीं देंगे तो भी ग्रो करेगा अच्छे से, देंगे तो भी ग्रो करेगा। तीसरी बात, सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, अगर फुल सनलाइट में ग्रो करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से ग्रो होगा, लेकिन ये पार्शियल शेड में भी ग्रो हो जाता है, क्योंकि मैंने पोर्च में भी ग्रो किया है इसको रख के, फुल सनलाइट में भी ग्रो किया है और दोनों जगह मुझे रिजल्ट्स अच्छे दिखे हैं। नेक्स्ट चीज़, आपने कई बार मेरे वीडियोज़ में इस प्लांट को घर के अंदर रखे हुए देखा होगा, तो आपको लगता होगा कि अंदर तो सनलाइट आती नहीं है, लेकिन कोई भी प्लांट, चाहे वो इंडोर प्लांट हो चाहे आउटडोर प्लांट हो, आप किसी भी प्लांट को घर के अंदर 7 से 10 दिनों तक आराम से ग्रो कर सकते हैं, रख सकते हैं। 7 से 8 दिनों तक आप अंदर रखें उसे, फिर वापस आप बाहर शफल कर दें, तो आपके प्लांट हमेशा इसी तरीके से लश ग्रीन बने रहेंगे। ये नहीं कि आपने आउटडोर प्लांट को अंदर रखा और आप 20 दिन 25 दिन तक अंदर रखेंगे फिर आप कहेंगे इसकी सारी पत्तियां सूख गई या पीली हो गई। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, प्लांट्स की शफलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो इंडोर प्लांट्स हों चाहे आउटडोर प्लांट्स हों। तो ये थी कुछ जानकारी मेरे पास इस बहुत ही खूबसूरत और लो मेंटेनेंस प्लांट की, जो है एक एक्वेटिक प्लांट, जो आप बिना पानी के भी नॉर्मल पॉट की तरह भी इसको रख के ग्रो कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूँगी। फिर मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जल्दी ही। बाय बाय।